उत्तर प्रदेश के नजीबाबाद बिजनौर रोड पर भनेड़ा टोल प्लाजा पर भारतीय किसान यूनियन टिकैत के द्वारा 2 जुलाई से धरना प्रदर्शन लगातार जारी है। अभी हाईवे का अधूरा निर्माण ही हुआ है, लेकिन नेशनल हाईवे के विभाग द्वारा 2 जुलाई से टोल बूथ पर वसूली की घोषणा की गई थी। हाईवे के अधूरे निर्माण के बाद से टोल वसूली को रोकने के लिए भारतीय किसान यूनियन टिकैत के नेतृत्व में एक धरना प्रदर्शन टोल वसूली के खिलाफ 2 जुलाई से आरम्भ हो गया था। टोल वसूली को रोकने के साथ साथ अन्य मुद्दों पर, जिसमें मुख्यतः हाईवे पर आने वाले गांव देहात के सामने हाईवे के द्वारा बीच में कट न देना, सर्विस रोड न बनवाना, अन्य क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर धरना प्रदर्शन चल रहा है। यूनियन टिकैत के द्वारा जो टोल प्लाजा पर धरना प्रदर्शन लगातार जारी है 2 जुलाई से, तो उसमें आज भारतीय किसान यूनियन खालसा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सरदार राजेंद्र सिंह जी के निर्देशन में आज मैं सोनू आदित्य, भारतीय किसान यूनियन खालसा का जिला अध्यक्ष के नेतृत्व में हमारे कार्यकर्ताओं ने एक समर्थन धरने को दिया है और समर्थन पत्र सौंपते हुए उन्हें वचन दिया है कि हम आपके इस लड़ाई में लगातार जारी रहेंगे, खड़े रहेंगे आपके साथ और इस लड़ाई को हम सफल बनाएंगे। धन्यवाद। देखते रहिए डीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।